not first. Maths group, paper second, unit third. के सभी विद्यार्थियों को आज मैं प्राचलिक समीकरण की वक्रता त्रिज्या है. यदि वक्र की प्राचलिक समीकरण दी गई है तो वक्रता त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में जानकारी होगा. कल के वीडियो में हमने देखा था यदि आपका मैच समीकरण दिया गया है वक्र का तो वक्रता त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं, यदि आपका कार्तीय समीकरण दिया गया है तो वक्रता त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में कल सूत्र बताए थे दोनों के लिए. आज मैं आपको प्राचलिक समीकरण दिया गया है वक्र का तो वक्रता त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं. ये नंबर तीन है प्राचलिक समीकरण. माना वक्र का प्राचलिक समीकरण x इज इक्वल टू एफ टी तथा y इज इक्वल टू फाइव टी है. x इज इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू फाइव टी, ये हमने प्राचलिक समीकरण ले लिया है. लेकिन हमें हमारा अभी तो सूत्र पढ़ा है केवल कार्तीय के लिए, यानी dy upon dx और b स्क्वायर y upon dx स्क्वायर के प्रयोग से हमने पढ़ा है वक्र का त्रिज्या का. तो यहां से हम करते हैं, इसलिए dx upon dt निकाल सकते हैं जिसको f dash t या हम x dash t लिख सकते हैं तथा dy upon dt बराबर i dash t और जिसको y dash t लिख सकते हैं. हमने क्या किया है, टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया और यहां जो टी है, टी क्या है हमारा, इसका प्राचल है. dx अपॉन dt ज्ञात कर लिया, dy अपॉन dt ज्ञात कर लिया, तो हम क्या करेंगे, अतः dx dy अपॉन dx ज्ञात करेंगे, जिसको लिख सकते हैं dy upon dt हो जाएगा और dx upon dt. dy upon dt का मतलब कितना है, ये भी phi dash t हो गया upon f dash t, जिसको लिख सकते हैं कि y dash upon x dash, इसको नंबर एक. इसके पश्चात d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, यानी ये दोनों चीजें हमें निकालनी है और कार्तीय के सूत्र में रखना है, कार्तीय वक्र वाले में, तो हमारा वक्र का त्रिज्या क्या हो जाएगी. तो यहां से x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो d अपॉन dx यहां y डैश अपॉन x डैश, यहां x और y किसके फलन है, p के फलन है, तो इसको क्या करेंगे कि d upon dt लिखेंगे y dash upon x dash और साथ में आ जाएगा कि dt upon dx. इस तरह से हमने फलन के फलन का जो अवकलन करते हैं उसके हिसाब से रख लिया. यहां से इसका अवकलन करते हैं u upon v से, तो x dash का स्क्वायर हो जाएगा x डैश y डबल डैश माइनस के y डैश x डबल डैश. dE अपॉन dx, dT dx अपॉन dT का मान है x डैश, तो dT अपॉन dx क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो बन अपॉन x डैश, यानी कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का मान आ गया x डैश y डबल डैश माइनस के y डैश x डबल डैश और अपॉन में है x डैश का q और ये नंबर दो. जो हमारा कार्तीय वक्र के लिए अतः
बकर की कार्तीय समीकरण के लिए वक्रता तृतीय और वो है रो बराबर वन प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की घात थ्री बाई टू अपॉन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हमारा आर्थिक वक्र के लिए यानी वक्रता आर्थिक समीकरण दिया गया है तो उसके लिए वक्रता दिया गया। अब यहाँ पर एक और दो से इसमें मान रखते हैं, एक से हम dx अपॉन dt का मान रखेंगे और दो से क्या रखेंगे यहाँ पर ये d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर का मान है। तो समीकरण एक व दो से मान रखने पर और इसको भी आप चाहो तो तीन दे सकते हैं, लिख सकते हैं कि समीकरण एक व दो से मान तीन में रखते हैं। यानी कि रो बराबर वन प्लस ए बाई डैश अपॉन एक्स डैश का होल स्क्वायर की घात थ्री बाई टू अपॉन ये मान रखते हैं आपने डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान एक्स डैश बाई डबल डैश माइनस के बाई डैश एक्स डबल डैश अपॉन एक्स डैश का क्यूब। देखिए यहां से लघुत्तम लेना है हमें तो एक्स डैश स्क्वायर प्लस के बाई डैश स्क्वायर की घात थ्री बाई टू अपॉन यहां एक्स डैश के नीचे आएगा कैंसिल हो जाएगा x डैश y डबल डैश माइनस के y डैश x डबल डैश ये हमारा सूत्र आ जाता है। प्राचलिक समीकरण दिया गया है वक्र का तो वक्रता त्रिज्या के लिए ये सूत्र हो जाएगा कि रो बराबर x डैश स्क्वायर x डैश स्क्वायर का मतलब है कि dx अपॉन dt x डैश हो गया इसका वर्ग करना है बाई डैश का स्क्वायर यानी कि डी वाई अपॉन डी टी इसकी घात थ्री बाई टू एक्स डैश बाई डबल डैश माइनस के बाई डैश एक्स डबल डैश यहाँ बाई डबल डैश का मतलब डी स्क्वायर बाई अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स डबल डैश का मतलब है कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। तो हमें सीधे एक्स बराबर एफ टी दिया गया है दिया गया है तो यहां से dx upon dt ज्ञात करना है और d स्क्वायर जो कि मान हमारा x डैश का हो जाएगा और d स्क्वायर x upon dt स्क्वायर ज्ञात करना है जो कि x डबल डैश का हो जाएगा। इसी तरह से यहां से dy upon dt ज्ञात करना है तो ये y डैश का मान हो जाएगा और d स्क्वायर y upon dt स्क्वायर ज्ञात करना है ये y डबल डैश का मान हो जाएगा और इन सब मानों को इस सूत्र में रख देंगे तो हमारी वक्रता त्रिज्या आ जाती है। नेक्स्ट है मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या। एक तो है मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या और दूसरा है हमारा किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या। अभी किसी बिंदु पर ये हमने बिंदु एक्स वाई पर निकाला था अब हम कह रहे हैं मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या। मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या यानी कि कोई भी वक्र दिया गया है उसकी मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है तो यहां से हम dy upon dx यानी वक्र का समीकरण तो y बराबर fx हमारा कोई भी दिया गया है तो dy upon dx कौन से बिंदु पर निकालेंगे मूल बिंदु पर और ये हमने t मान लिया कि इसका मान t है ये हमने ज्ञात कर लिया d स्क्वायर
y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे, कौन से बिंदु पर निकालेंगे, 0 0 पर, ये हमने q मान लिया। यदि हमने dy अपॉन dx 0 0 पर निकाल लिया, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर 0 0 पर निकाल लिया, तो जब इसको कार्तीय वाले में रखेंगे इनके मान, तो हमारी रो जो निकलेगी वो मूल बिंदु पर ही निकलेगी, क्योंकि इसके मान जो मूल बिंदु पर जो p निकाला है, इसका मान मूल बिंदु पर q निकाला है, अतः मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या रो एट 0 0 बराबर 1 प्लस के पी स्क्वायर की घात 3/2 अपॉन q, यानी 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की घात 3/2 अपॉन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र आ जाता है मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। अब किसी बिंदु और पे भी निकालना है, जैसे 3 और 2 पर हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो वक्र को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे, और dy अपॉन dx कौन से बिंदु पर ले लेंगे, 3 और 2 पर निकाल के इसका मान आ जाएगा, और d एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसका मान 3 और 2 पर निकालेंगे, इसका मान भी आ जाएगा, और इस सूत्र में रख देंगे तो हमारे कौन से बिंदु पर वक्रता त्रिज्या आएगी, 3 और 2 पर वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु पर हम वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं और इसके एग्जाम्पल कर सकते हैं।